What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 10 जून 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:22 हो रहे हैं। हफ्ते का तीसरा ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा काफी जबरदस्त वोलेटाइल मूव थी निफ्टी इंडेक्स में, तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 9 जून आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,224 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 10,118। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स दोनों लेवल्स के बीच में ओपन हुआ, और जैसे ही टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद 10,250 ये लेवल अचीव हुआ फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट 10,288 ये एग्जैक्ट अचीव हुआ। और इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस करके टूवर्ड्स साउथ की तरफ एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली। और जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक हुआ ये फर्स्ट टारगेट 10,082 और 10,039 सेकेंड टारगेट ये भी अचीव हुआ, और एग्जैक्ट ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास सेकेंड टारगेट के पास ये क्लोज हुआ है। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग काफ़ी लेवल्स एक्यूरेट साबित हुए, और अगर ट्रेड करते तो 65 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 48,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल भी यूएस मार्केट देखे तो नासडैक ने रिकॉर्ड हाई लगाया, 29 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो फिर से दूसरे दिन लगातार वहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है, लाल निशान में बंद हुए कल। एशियाई बाजार आज ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 74 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा, जापानीज इंडेक्स भी 24 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा। हालांकि हांगकांग मार्केट और ताइवान मार्केट देखे तो वहां पर मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 168 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट से फिर से एक बार पॉजिटिव संकेत कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। ये मंथली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो अभी 50 EMA का ये जो मूविंग एवरेज है मंथली चार्ट में, ये अभी यहाँ पर हर्डल का काम कर रहा है। ये अराउंड अभी 10,150 के पास है, तो ये अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है, मंथ जून का फर्स्ट वीक हो चुका है सिर्फ। तो यहाँ पर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो ये काफ़ी बड़ी बात हो सकती है, ये 50 EMA के ऊपर। फिर यहाँ पर RSI में भी हमें राइजिंग बॉटम्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 10,150 यहाँ पर इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा है, और भी इसके ऊपर अगर देखें तो वीकली चार्ट में अगर हम जाए और ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है तो इसका 61.8% का ये जो लेवल है 10,276, ये भी यहाँ पर नेक्स्ट हर्डल हो सकता है। 10,150 के बाद यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ने रेजिस्टेंस फेस किया, और आप देख सकते हैं ये फिर से एक बार 20 EMA, जैसे कि हमने कल के वीडियो में भी एनालिसिस किया था, ये 50% का लेवल और 20 EMA ऑलमोस्ट एक ही लेवल के पास आ रहा है 9,995, ऑलमोस्ट 10,000। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 10,000 का। तो ये अगर ब्रेक होता है तो ही निफ्टी इंडेक्स यहाँ से फिर से टूवर्ड्स साउथ की तरफ हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस 10,150 एज पर मंथली चार्ट, फिर ये वीकली चार्ट में ये फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल 10,276 के पास आ रहा है, और उसके बाद ये 50 EMA 100 EMA और 76.4% का ये जो लेवल है ये 10,600 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ये हर्डल्स हो सकते हैं निफ्टी इंडेक्स के लिए अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है। तो डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हमने कल यहाँ पर एक आइडेंटिफाई किया था कि ये जो है ये फॉल आया है प्रॉफिट बुकिंग का, हो सकता है ये 100 EMA तक यहाँ पर हमें देखने को मिले, और कल एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 10,046 यानी 100 EMA के पास ही आकर क्लोज हुआ है। तो अभी अगर ये जो अपसाइड मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर हम इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें तो अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ भी अगर ये आता है तो फर्स्ट इसका सपोर्ट लेवल होगा 9,969, जहाँ पर इसने ये छोटा स्विंग लो बनाया है अभी कुछ दिनों पहले,
तो ये काफी एक मेजर सपोर्ट होगा 10,000, और उसके बाद 9,950 के आसपास ये पेनेट्रेट हो सकता है अगर ये टुवर्ड साउथ की तरफ आता है तो। यहाँ पर हो सकता है ये जो सपोर्ट है 100 EMA का, ये टेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ जाए, लेकिन जो इसने हाई लगाया है अभी ये स्विंग हाई बन चुका है, तो इस स्विंग हाई को ब्रेक करना काफी जरूरी है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये रैली हमें कंटिन्यू टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। फिलहाल एज पर डेली चार्ट 9,969 के पास सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है स्विंग लो को, लास्ट स्विंग लो को अगर ब्रेक करता है, तो हो सकता है यहाँ से फिर से ये करेक्शन और गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना पोजिशनल जो भी ट्रेडिंग है वो आप प्लान कर सकते हैं। तो चलते हैं निफ्टी के 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि ग्लोबल क्यूज देख रहे हैं, एशियाई बाजार देख रहे हैं, SGX निफ्टी भी अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रही है, 70 पॉइंट की अपसाइड मूव वहां पर देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी इंडेक्स कंफर्टेबली अगर ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो लास्ट जो इसने बनाया था पास में 3 दिन पहले, इसको अगर ब्रेक करता है तो इसके टूवर्ड्स नीचे 9,948 का ये पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,911। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9,871, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और जैसे कि अभी अगर निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार पॉजिटिव मोड में ओपन होता है तो काफी सारे रेजिस्टेंस लेवल है। अभी ये आर्ली चार्ट में देखे तो मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, तो काफी रेजिस्टेंस यहाँ पर ये फेस करता है और टर्न हो सकने की प्रोबेबिलिटीज है। तो ये जो स्विंग हाईज बने हैं पास्ट में 4-5 दिन पहले, 1-2, ये फिर तीसरी बार यहाँ पर इस लेवल को इसने एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया है, तो 10,164 को कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है, यानी पिवट पॉइंट फिर 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है इसको ब्रेक करता है, और ये स्विंग हाई जो बने हैं 10,164 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,200, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,229, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।